जैम मैथमेटिकल स्टेट्स में आया था 2010 में, क्वेश्चन नंबर 83 है और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है. द वैल्यू ऑफ 1/2π माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, और ये है दूसरा जो लिमिट है माइनस इनफिनिटी से वाई तक वेरी कर रहा है, ए रेज टू द पावर माइनस हाफ विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई. तो मुझे x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर y इन्वॉल्व है तो ये x का लिमिट है. अब इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए मुझे, अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूँ तो e रेज टू द पावर x स्क्वायर टाइप का यहाँ पर फंक्शन इन्वॉल्व है. तो e रेज टू द पावर x स्क्वायर है तो यहाँ पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी कि यहाँ पर x और होना चाहिए था तो मेरे लिए आसान होता. तो जिस यानी कि मैं सब्सटीट्यूट कर देता उसको एक्स स्क्वायर को जेड से या टी से तो मेरे लिए आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक्स भी नहीं है और सेम वाई में भी ऐसा ही है. तो अगर मैं वाई के रेस्पेक्ट में चेंज करता हूँ तो मुझे फिर भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो वाई का भी यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं है वाई स्क्वायर का. तो चाहे मैं इसका ऑर्डर चेंज करूँ तो मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दूं, यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो अगर मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर दूं पोलर कोऑर्डिनेट्स में तो मैं कुछ कर सकता हूं. तो जहां पर अक्सर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो वहां पर आर स्क्वायर मान के हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के लिए सबसे पहले मुझे लिमिट्स देखनी होगी कि कहाँ से, मतलब आर और थीटा कहाँ कहाँ वेरी कर रहा है. तो ये है मेरी एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई ये मेरा लाइन है, ये जो दे रखा था एक्स इक्वल टू वाई, और एक्स कहाँ से वेरी कर रहा है माइनस इन्फिनिटी, यानी कि पूरा रीजन कवर हो गया ये इस लाइन का पूरा, और जो वाई है वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है. तो यानी कि ये हो गया भाई. अब इसमें r और थीटा के हमें अब लिमिट्स देखेंगे कि कहां से कहां तक. तो r r जीरो से लेके कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा क्योंकि ये तो ऊपर तक कहीं भी जा रहा है. तो जो हमारा r होगा वो जीरो टू इन्फिनिटी जाएगा, और थीटा, थीटा कहां से, यानी कि थीटा वेरी करेगा यहां से यहां तक, यानी कि जो लाइन है अगर मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में बोलूँ तो पाई बाई फोर है, यानी कि थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर, और ये प्लस पाई और इसमें ऐड कर दीजिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो पाई इसमें ऐड कर देंगे यानी कि पाई बाई फोर में. तो जो थीटा होगा वो हमें अपर लिमिट मिल जाएगी यानी कि फाइव पाई बाई फोर. तो मुझे लोअर और अपर लिमिट मिल गई है थीटा की भी. तो जो अब मेरा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से ट्रांसलेट हो गया है, वन अपॉन टू पाई, और ये आर की लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी, और थीटा के जो हैं वो पाई बाई फोर से फाइव पाई बाई फोर ई रेज टू द पावर माइनस आर स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पर जकोबियन आएगा. तो जकोबियन क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, आर डी आर डी थीटा, ये हमारा जकोबियन होता है. तो अब इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से करेंगे, वन अपॉन टू पाई. अगर मैं इसको थीटा के रेस्पेक्ट में पहले करता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये थीटा की है, अगर मैं थीटा के रेस्पेक्ट में इसको करता हूँ तो ये मेरा ट्रीट होगा एज ए कांस्टेंट. तो ये मेरा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा तो मेरा जो थीटा का डेरिवेटिव होगा डी थीटा का इंटीग्रेशन सॉरी तो वो थीटा हो जाएगा, और थीटा की जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो अपर माइनस लोअर यानी कि फाइव पाई मेरी क्या होगी ए रेज टू द पावर आर स्क्वायर बाई टू फाइव पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर आर डी आर. तो मेरा ये हो गया. अब यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आएगा फोर पाई अपॉन फोर, फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा तो पाई बचेगा, और इस वाले पाई से यहाँ वाला जो पाई है ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो जो अब मेरा है वो वन अपॉन टू जीरो टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर आर स्क्वायर बाई टू आर डी आर, ये अब मेरा क्वेश्चन है. तो मुझे पता है यहाँ का
अगर मैं इसको लेट करता हूँ तो माइनस आर स्क्वेयर बाय टू को अगर मैं डी लेट कर लेता हूँ तो माइनस टू आर डी आर इक्वल टू डी टी होगा, ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस आर डी आर यानी कि निगेटिव साइन और आएगा, तो हाफ और जो मेरा होगा e रेज टू द पावर r स्क्वायर बाय 2 और नेगेटिव साइन वो मैंने आउटसाइड ले लिया है, ये होगा 0 टू इंफिनिटी। अब मुझे इसके अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है सिर्फ, तो जब मैं यहाँ पर r की जगह इंफिनिटी पुट करूँगा तो e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी, तो क्योंकि हमें हमारा जो e माइनस x ये e रेज टू द पावर x का और ये e रेज टू द पावर माइनस x का ग्राफ होता है, तो माइनस इन्फिनिटी तक जब ये जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी सॉरी e रेज टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी में जब हम पुट करेंगे तो ये जीरो को चला जाएगा ग्राफ, जीरो को ऐसे देखेंगे आप ये जीरो को चला जाएगा, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा और जब जीरो पुट करेंगे तो e रेज टू द पावर जीरो वो वन हो जाएगी, यानी कि माइनस हाफ और माइनस वन, तो ये जो हो जाएगा पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। और ये जो मैच करता है ये कौन से ऑप्शन से मैच करता है, हाफ हाफ करता है डी ऑप्शन से, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट चॉइस। थैंक यू।